हमें किस लैंग्वेज पे अपनी YouTube की वीडियो बनानी चाहिए, इंग्लिश में, हिंदी में, बंगाली, तेलुगु, मराठी, किस भाषा में हमें अपनी वीडियो बनानी चाहिए, आज की इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली की टेक में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दिलीप पांडे और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी किस लैंग्वेज में वीडियो बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अच्छे से और पूरी डिटेल से मैंने इस वीडियो में बता रखा है, तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे मेरे आने वाली वीडियो के हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों क्या होता है कि आप जिस राज्य में रहते हैं, जैसे कि बिहार में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, या फिर कर्नाटका में रहते हैं, या बेंगलोर में रहते हैं, आप जिस किसी भी राज्य में रहते हैं या फिर दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में क्या होता है कि हिंदी भाषा ज्यादातर बोली जाती है, और दक्षिण में क्या होता है कि केरला की भाषा हो गई, बंगाली हो गई, उड़िया हो गई, इस तरह की लैंग्वेज में आपकी ऑडियंस जो है आपके पास ज्यादा आएगी। तो आपको किस टॉपिक पे ज्यादा वीडियो बनाना चाहिए, तो अगर आप हिंदी टॉपिक पे वीडियो बनाना, मैं तो कहूंगा कि आप नॉर्मल हिंदी टॉपिक में बनाएं, या अगर आप हिंदी टॉपिक में वीडियो नहीं बना पाते तो आप उस टॉपिक पे बना पाए जिस राज्य में आप रहते हैं, तो वहां की ऑडियंस आपसे ज्यादा कनेक्ट होगी, क्योंकि वहां पे क्या होगा कि आपको कॉम्पिटिशन कम मिलेगा और आपकी वीडियो ग्रो होने का चांसेस ज्यादा रहता है। क्योंकि अगर आप हिंदी लैंग्वेज में वीडियो बनाते हैं मेरी तरह, तो वहां पे आपको सक्सेस होने के चांसेस जो है वो कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज में बहुत सारे लोग जो है वो वीडियो बना के रखते हैं पहले से ऑलरेडी। यूट्यूब पे कई हजार वीडियो अपलोड है, जैसे कि जो मैं आज बना रहा हूँ ये भी वीडियो हिंदी लैंग्वेज में बहुत सारे लोगों ने अपलोड कर रखी है। अगर आप इसी वीडियो को किसी और लैंग्वेज में बनाते हैं, जैसे गुजराती हो गया, मराठी हो गया, या उड़ियाई हो गया, या बिहारी भाषा में हो गया, किसी भी भाषा में अगर मैं अलग बनाऊं तो वहां से मेरे को सक्सेस होने का चांस ज्यादा होता है, क्योंकि उस राज्य के लोग सर्च करेंगे कि YouTube से पैसा कैसे कमाएं, और आप उन्हीं की वीडियो उन्हीं की लैंग्वेज में अगर दिखाते हैं तो आपको वो सब्सक्राइब भी करेंगे और आपका वॉच टाइम भी पूरा हो जाएगा, जिससे आप भी अपने यूट्यूब चैनल पर पैसे कमा सकते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप जिस किसी भी राज्य पे हैं या जिस लैंग्वेज में आपको वीडियो आसान लगे, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने लैंग्वेज के हिसाब से वीडियो बनाएं, जो आपको लैंग्वेज बोल पाते हो, अच्छे से बोल पाते हो, वही उसी लैंग्वेज में आप वीडियो बनाइए, तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो गुजराती हो, चाहे वो मराठी हो, एक्सेट्रा, किसी भी लैंग्वेज में आप वीडियो बना सकते हैं, आपका ग्रो होने का चांस ज्यादा होगा। लेकिन सबसे ज्यादा चांस उसमें ग्रो होगा जिसमें आपका कंपटीशन कम होगा, उसमें आपका ग्रो होने का चांस ज्यादा रहेगा। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में पूरे वर्ल्ड से आपको लड़ना पड़ता है, और हिंदी में पूरे इंडिया से, इंडिया का क्या, इंडिया के भी आधे हिस्से से, क्योंकि दक्षिण एरिया में तो हिंदी बहुत कम ही चलती है, कई सारे राज्यों से मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि उन टॉपिक पे पहले ही वीडियो बन चुकी है हिंदी लैंग्वेज में। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जिस लैंग्वेज में आपको अच्छा लगे उसी लैंग्वेज में वीडियो बनाएं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।